वेलकम बैक टू वेडर डॉग्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम इस राइडिंग शूज का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि आ जाता है क्लैन कंपनी की तरफ से, जो कि एक अर्बन राइडिंग स्नीकर्स। तो देखते हैं कैसे इसके फर्स्ट लुक एंड कैसी इसकी प्रोडक्शंस एंड ऑल है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, जो बॉक्स आता है वो ब्लैक कलर के बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आता है, जिसमें क्लैन की ब्रांडिंग दी रहती है। यहाँ पे भी क्लैन लिखा है, इनका लोगो दिया है और यहाँ पे बाइक के साथ इनका लोगो डिजाइन है। मैं दिखाता हूँ अभी हाल आपको यहाँ पे। देन इसके बाद जैसे ही अपन बॉक्स को खोलते हैं तो एक क्लैन के लोगो के साथ पूरा एक रैप आता है, जिसको हटाने के बाद अपन को दिखते हैं अपने अल्टीमेट राइडिंग स्नीकर्स। तो इसको निकालते, बहुत ही प्यारा रेड कलर लिया है मैंने, बहुत ही प्यारे लुक्स हैं इसके, जो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो ये दोनों चीज़ें अभी अपन बाहर निकाल के रखे देते हैं। देन एक आता है पाउच। तो इस पाउच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो तक बने रहना पड़ेगा। देन उसके बाद एक और जो बहुत ही यूनिक चीज़ है क्लैन की तरफ से, वो ये है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और बताइए कि कैसा लगा ये। मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसको पढ़ने में, इसलिए। तो अब आते हैं अपने अगले पॉइंट। सो आपको देखने से लग रहा होगा ये स्नीकर्स है, मतलब हाई एंकल स्नीकर्स, पर ये हाई एंकल स्नीकर्स के साथ कुछ इसमें ऐसे फीचर्स भी है जो इसको स्टैंड आउट करते हैं और बना देते हैं एक राइडिंग शूज, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। पर ये कंफर्टेबल भी बहुत है, ये सारी चीजें आपको आगे देखने मिलेंगी। तो आइए आते हैं इसके लुक्स के बाद इसके थोड़े से पॉइंट्स पे। तो बात करते हैं इस शूज के फीचर की, जो इसको स्टैंड आउट करवाता है और इसको बनाता है दी अर्बन राइडिंग स्नीकर्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके मटेरियल से। जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है वो है अर्जेंटियन प्रीमियम अर्जेंटियन लेदर, और उसके बाद इसके टो पे एक प्रोटेक्शन दिया जाता है जो कि है टो प्रोटेक्शन। उसके बाद जो गियर शिफ्ट प्रोटेक्शन है, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी है, बिकॉज आप यहाँ पे डिस्प्ले होती हुई एक वीडियो देख पा रहे होंगे जिसपे मेरे शूज की बैंड बच चुकी है, जहां से मैं गियर शिफ्ट करता हूँ। पर इसमें जो इनका लेदर है वो उसको स्टैंड आउट करता है और उसको बना देता है एक राइडिंग शूज। देन आते हैं अपन इसके एंकल प्रोटेक्शन पे, जो कि एंकल पे एक प्रोटेक्शन आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद आता है अपने बैक पे, मतलब हील पे एक और प्रोटेक्शन। देन उसके साथ एक नाइट रिफ्लेक्टर भी दिया है, जो कि पीछे वालों को विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कोई पीछे से आ रहा है अगर अपने पास बाई चांस वो लोग नहीं देख पा रहे तो ये रिफ्लेक्टर अपनी हेल्प करेगा। और इसमें आ जाता है मिड सोल इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, मतलब जब भी अपनी गाड़ी या कहीं अपन एकदम इंस्टेंट ब्रेकिंग या कुछ भी ऐसा होता है तो जो मिड सोल पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो अपने पूरे पैर में पड़ता है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन इसका जो हाई ट्रैक्शन अपना ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करती है, नहीं तो बहुत सारे स्नीकर स्लिप हो जाते हैं। राइडिंग शूज बल्की होते हैं, बट ये अपन डेली में भी यूज़ कर सकते हैं। डेली की बात हुई है तो आते हैं इसके डेली यूज़ पे, मतलब कम्फर्ट पे। जैसे अपन बोलते हैं राइडिंग शूज़ तो कम्फर्ट तो पता नहीं कहाँ घूम जाता है, बट ये शूज़ में एक्चुअल में कम्फर्ट है। मैंने इसको पहन के अराउंड 100 किलोमीटर अभी तक राइड कर चुकी होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जगह गया हूँ इनको पहन के, क्योंकि इतने अच्छे दिखते हैं और इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है। लाइक इसका आप अंदर से कुशनिंग देखोगे ना, इतनी प्यारी कुशनिंग है, लाइक मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा इसको पहनने के बाद। घर आके रिलैक्सली बैठ जाता हूँ ना, इतने ज़्यादा बल्की लगते हैं ना कुछ लगते हैं। तो इसका कम्फर्ट मैं पर्सनली बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मेरे को कम्फर्ट में ये 100 out of 100 देना चाहूँगा। प्रोटेक्शन एंड कम्फर्ट दोनों इसमें इतनी नेक्स्ट लेवल दी गई है कि आपको लगेगा ही नहीं। मैंने 2-3 लोगों से पूछे भी कि भाई ये कौन से शूज लग रहे हैं, तो वो एक कोई बोल रहा था जॉर्डन, कोई बोल रहा था कि ये हाई एंकल स्नीकर्स है, बट एक्चुअल में जब मैंने उनको बताया कि एक राइडिंग शूज है, वो लोग भी शॉक्ड थे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसके, कि ये कौन कौन से कलर्स और साइज में आता है। तो बात करेंगे कलर और साइज की, तो ये 4 कलर्स में अपन को अवेलेबल मिलेगा, लाइक ब्लैक रेड व्हाइट रेड, जो कि अभी आपके सामने है, ब्लैक ग्रे एंड व्हाइट ग्रे। तो ये 4 डिस्प्ले हो रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। और साइजेस की बात करेंगे तो ये पूरे 5 साइजेस में आता है, जो कि 7, 8, 9 और 10। तो स्क्रीन पे एक चार्ट डिस्प्ले हो रही होगी जो कि आपको और अच्छे से बता पाएगी, आप इसको समझ पाओगे। देन इसके बाद जिसके लिए आप वेट कर रहे होते टाइम से, आई नो कि क्या है आखिर इसमें। तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि क्लैन की तरफ से एक पाउच सा क्या दिया गया है, जो कि मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद आया जब मैंने इसको खोल के देखा। ये देखिए, तो इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे बाइकर्स के लिए थॉट है, जो एक स्टिकर्स है पूरे ग्रेट राइड एंड ऑल,
और ये आते चार और पीछे दो, मतलब छह पूरे। ये वाला ज्यादा थोड़ा सा अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है लव इट और हेट इट, से इट विथ अ पोस्ट इट। ठीक है, मतलब ये बुकमार्क अल्टीमेटली स्टिकर्स हैं और बुकमार्क जैसे हैं पूरे। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज लगी, लाइक उनने ये दिया है, ये एकदम यूनिक कुछ चीजें जो कि क्लैन ने की हैं, लाइक वो एक नोट लिखना देन ये देना, तो ये बहुत ज्यादा एक बिल्ड करता है ऑडियंस को, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैं फ्यूचर में भी इसके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहूंगा। अगर आपको क्लैन के शूज खरीदने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके टैप करें और खरीद लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी इसकी चीजें दी गई हैं, तो उसको भी एक बार रीड आउट कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत। We'll be right back.